सो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं कुआई रिवर के पास। चलो देखते हैं रिवर कैसा है होता है। और रिवर के पास सुना है सनसेट भी है, सनसेट का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाऊंगा। चलो उसके पास ही जाऊंगा, वो सनसेट दिख रहा है ना, उसके पास ही जाऊंगा। तो अभी तो हम पहुँच चुके हैं, थोड़ा 5 और 10 मिनट लगेगा शायद। और ये पता नहीं ये दादू भी क्या दिखा रही है, ऐसे 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 करके यो 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 बोल रही है। चलो आपको मिलते हैं उस सनसेट के पास। चलो सो हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग है कुछ खास नहीं है, और आज का ब्लॉग है कुवाई रिवर में, और ये मेरा है ब्लॉग नंबर 5 डे 5। चलो आप लोगों को नीचे जाके उसका व्यूज दिखाते हैं। और मैं अभी आया हूँ मेरा शाइन के साथ, वो कल चले जाएगा सर्विसिंग में। और पता नहीं क्या हुआ है, पेट्रोल वगैरह मोबिल वगैरह लीक हो रही है, तो फिर भी घूमने के लिए आज निकल पा रही है, क्योंकि बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा है ना इसलिए। तो चलो नीचे जाते हैं, मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ आया है। हाय, चलो नीचे जाते हैं। पता है भाई वो है ना, मैं बचपन की याद आ गया, बचपन में ऐसा क्या करती थी, ऐसे उठाकर ऐसे मारता था। तू भी करता था ना? हाँ। हाय गाइस, हम लोग आ चुका है नदी के पार, यह है कुवाई रिवर। तो मेरे फ्रेंड बहुत दिन के बाद एक ब्लॉग कर रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे तो पता नहीं अच्छा होगा क्या खराब होगा, फिर भी निकल पा रहा हूँ घर से आप लोगों को देखने के लिए। और ये सनसेट आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा। तो अभी अभी हम लोग यहाँ पे नीचे जाएंगे, देखेंगे क्या क्या है। मछली है भाई, मछली है क्या? बचपन की याद आ गई ना? हाँ यार, तुझे तो बचपन का ही याद आ गया। चल दिखाते हैं, चलो बदल लीजिए। आप लोग देख रहे हैं ना, वो शाइन किस चमक रही है, देखने में तो बिल्कुल अच्छा रग रही है। और मुझे तो सुकून मिल गया है, आप लोग को भी शायद सुकून मिल गया होगा। देखो हाय गाइस, तो नज़ारा देखो, खूबसूरत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। सनसेट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ का जो रिवर है ना, और रिवर में बहुत सारे लोग नहाते हैं। मुझे तो लगता है मुझे लग रही है मैं भी यहाँ पर कपड़े उतर के नहाने के लिए चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी है। हाँ, गर्मी लग रही है। और एक बात है, हमने कुछ लिया नहीं है, टॉवल वगैरह कुछ नहीं लिया है, इसलिए नहीं जाऊँगा, नेक्स्ट टाइम जाऊँगा। चलो उस तरफ जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर बहुत सारे गाय हैं। हाँ, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हो, यह छोटा सा बच्चा है, छोटा सा नन्ना सा प्यारी से बच्चा है। अरे बच्चे कैसे हो? ये उठ गया, उठ गया। और इसको देखो गाइस, देखने में तो बहुत ही डरावना लग रही है, काई पेट के अंदर घुसा देगा तो बहुत ही डेंजरस होगा। चलो तो इसके पास निकलते हैं, चलो कोई और जाते हैं। गाइस वो सामने एक देख रही है ना आंटी, शायद उसको हिंदी नहीं मालूम होगा, इसलिए शायद मुझे बंगाली में बोलना पड़ेगा। तो चलो क्या बोलते हैं, आंटी के पास जाके देखते हैं आंटी कितने मछली पकड़ा है। चलो पूछ के देखते हैं, मज़ा आएगा। हेलो দাদা,
तो गाइस वो आंटी ने बोल रहे हैं कि एक भी मछली नहीं पकड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा आंटी का हेल्प कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो एक भी मछली नहीं बताया गाइस। क्या मछली होगी का भले ऐसा দিদা, তুমি তোমার জন্য মানে ভালো করে সব মাস্টার জন্য উড়ে আসছি, উড়ে আমরা চাই। আর ইয়ে তোমার মাঝে আমি একদিন কে হ্যাঁ মানে বাটন টান্তারি কামটা খাইতে যাবো। তো দিদা যাই কাম। সো গাইস ফাইনালি ডে ফাইভ খতম। और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। शायद घर नहीं जाऊंगा, फ्रेंड के घर जाऊंगा। उस भाई का क्या है, उस भाई का एक सिस्टर है, उस सिस्टर का बर्थडे है। बर्थडे सेलिब्रेट करके मैं घर जाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करिए ब्लॉग और डे सिक्स के लिए, शायद और भी मज़ेदार होगा। चलो निकलते हैं घर की तरफ। टाटा बाय, सी यू अगेन। वो